अरबी मंदी के चर्चे तो आपने सुन रखे हैं, मगर अब फैसलाबाद में तुर्क मंदी की धूम मच गई है। हमने इस डिश पे बहुत सारी मेहनत की है। इसमें जो हमने टच दिया है उसमें ड्राई फ्रूट है और साथ में इसकी एक स्पेशल सॉस होती है जिसके साथ हम मंदी को सर्व करते हैं। नाइफ है ना, उसके साथ हमने एक छोटी सी बेल लगाई है, वो विसल करते हुए आते हैं, तो जैसे ही डिश टेबल पे पहुँचती है तो लोग उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट पर खुशामदीद, मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मेहर जी टिक्का पे, जहां पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है फैसलाबाद में पहली बार तुर्किश मंदी। ये रेगुलर मंदी से कितनी ज़्यादा डिफरेंस होती है और इसमें ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जो इसको तुर्किश बनाते हैं? यहाँ के ओनर से जानते हैं इस तुर्किश मंदी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। खाने में लुक वाइज भी बहुत प्यारी है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि चलो फैसलाबाद में भी हमें ये चीज़ मिल गई है, वरना कौन इतनी दूर खाने के लिए जाए। अभी तो महंगाई भी बहुत होगी, यहाँ फैसलाबाद के लोगों के लिए तो ये नई बात है ना। तो ज़ाहिर है ये जब फर्स्ट टाइम कोई ऐसा काम होता है तो ज़ाहिर है लोग इंजॉय करते हैं, और मेरा ख्याल में मैं सबको अहले आने फैसलाबाद को दावत दूंगा कि वो आएँ और इधर टेस्ट करें, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। हम मंदी पहली बार फैसलाबाद में तो पहली बार खा रहे हैं, क्योंकि अबू बकर भाई की मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ जिसने ये अवेल की इधर, वरना हमने तुर्की में खाई है, इधर तो खाई नहीं। मेरे बच्चे इस चीज़ों को तकरीबन बहुत मिस कर रहे थे। मैं अपनी सारी फैमिली के साथ आया हूँ, मेरी मम्मा है, मेरी भाभियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, सारा कुछ आया है, हम सारे यहाँ पे आए हैं। स्टेस बहुत ज़बरदस्त बनाया है इन्होंने, मैं तो भूल ही गया, मैं सोच रहा हूँ मैं तुर्की में बैठा हूँ अभी, ऐसा टेस्ट बनाया है इन्होंने माशाल्लाह। लैविश टेस्ट था इसका, लाइक यानी कि कुछ होता है ना, बंदे ने सोचा होगा यार अच्छा टेस्ट होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा यानी कि बेहतर था। और कुछ रिकमेंड किसी ने किया कि अगर मंदी राइस टेस्ट करना चाहें आप तो आप फैसलाबाद में चले जाएं। मैं आप फैसलाबाद के नहीं है? मैं फैसलाबाद का नहीं हूँ। कहाँ से आए? मैं लाहौर का हूँ। स्पेशल सिर्फ मंदी खाने आए? स्पेशल मंदी खाने के लिए आए। पहले तो मुझे ये बताएं कि मेहर जी होटल को कितना टाइम हो गया और स्पेशली मंदी यहाँ पे कब से इंट्रोड्यूस करवाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, मेहर जी टिक्का शॉप को 40 साल हो गया है, और ये जो तुर्किश मंदी है, चिकन मंदी और मटन मंदी, ये हमने लास्ट वीक से इंट्रोड्यूस करवाई है यहाँ। और आपने कहा कि लास्ट वीक से इंट्रोड्यूस करवाई है, फैसलाबाद में पहले भी मिल रही थी, लेकिन ये तुर्किश का आइडिया कैसे आया, मतलब स्टार्ट कैसे किया? सर, जो फैसलाबाद में तुर्किश मंदी मिल रही थी ना, तो मैं नहीं समझता कि वो एक प्रॉपर एक तुर्किश प्रेजेंटेशन थी उसकी। तो हमने जो इंट्रोड्यूस करवाई है फैसलाबाद में, वो एक कोशिश की है कि प्रॉपर एक तुर्किश मंदी जो है उसको फैसलाबाद के लोगों को मुतारफ़ करवाया जाए और इंटरटेन करवाया जाए। मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं कि जो रेगुलर मंदी हम लोग खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसमें और तुर्किश का, इन दोनों में जायके के लिहाज से क्या फ़र्क है? सर, जो आप एक आम तौर पे मंदी जो मार्केट में मिल रही है, वो मैं नहीं समझता कि उसमें जो मंदी की फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा रखा गया है। इसमें जो हमने टच दिया है उसमें ड्राई फ्रूट है और साथ में इसकी एक स्पेशल सॉस होती है जिसके साथ हम मंदी को सर्व करते हैं, मटन मंदी को। और इनके डिफरेंस के बारे में मैं आपको बता दूं, मटन और चिकन के डिफरेंस के बारे में, जो चिकन की मंदी है उसमें हम वेजी डालते हैं, साथ में सॉस होती है, राइस होते हैं, साथ में चिकन बारबेक्यू होता है। और जो मटन की मंदी है सर, हम उसमें डालते हैं, उसमें जो गोश्त होता है, रान का जो मीट होता है, वो हम उसमें मछली की, मटन की मछली डालते हैं, साथ में उसमें ड्राई फ्रूट होते हैं, साथ में यखनी होती है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करता है। और मैं देख रहा था कि जब आप लोग इस चीज़ को तैयार कर रहे हैं तो उसमें बड़ा खास तरीके से आप ध्यान दे रहे हैं कि आपने हर चीज़ को वेट आउट किया हुआ है, लाइक अगर उसमें ड्राई फ्रूट्स पुट ऑन करने हैं तो वो भी आपने ग्राम्स में उसको रखा हुआ है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ को हमने माप के और नाप तोल के रखा हुआ है, जिसमें उसमें ड्राई फ्रूट हैं या राइस हैं या चिकन है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी को हमने लेवल करके फिर इसकी प्रेजेंटेशन मुकम्मल तौर पर तैयार किया तुर्किश मंदी की। लोगों का रिस्पांस कैसा है तुर्किश आइटम्स अब फैसलाबाद में भी उनको मिल रही है खाने के लिए, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है इस चीज़ को लेके? सर, ओवरऑल जो मैंने लास्ट वीक से देखा है तो इस फ्राइडे तक माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, फैमिलीज आ रही हैं और दोस्तों के दोस्त आ रहे हैं, आउट ऑफ सिटी से मुझे कॉल्स आती हैं और लोग स्पेशली खाना खाने आते हैं, तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छे हैं। रेट्स क्या क्या हैं, क्योंकि महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, फ्यूल्स जैसे बढ़ रहे हैं, तो इसमें डेली बाई डेली कोई एक्स्ट्रा इंक्लूड्स कर रहे हैं वो एक ही जगह पे हैं? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं ये बताता चलूँ। चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों की पहुँच से हर चीज़ बाहर है, तो हमने कुछ ऐसा किया है कि हमने चिकन मंदी का रेट रखा हुआ है जस्ट 2000 और वो 4% सर्विंग है, तो साथ में एक दो बच्चे भी डाल लें तो अच्छी सर्विंग हो जाती है। सेकेंडली ये कि जो मटन की मंदी है वो 3% सर्विंग है और उसका जस्ट 3000 रेट रखा गया है, तो हमने एक नॉर्मल सी प्राइस रखी है, इकोनॉमिकल सी।
ताकि हर बंद की रेंज में आ सके। और मैं देख रहा हूँ कि मंदी के ऊपर जो आप लोग एक ब्रेड की टॉपिंग सी करते हैं, ठीक है, तो उसको आप ज़्यादा थिक नहीं किया, वो बहुत लाइट सी है कि अगर उसको खाने का दिल करे तो आप इजीली उसको खा भी सकते हैं। जी जी, असल में जो हमने प्रेजेंटेशन तुर्किश मंदी की बनाई ना, वो हम उसके ऊपर जैतून का तेल भी लगाते हैं साथ में, तो उसको खाने के साथ सर्व किया जा सकता है, तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, तो काफ़ी चाहिए वो भी। और आपके जो शेफ़ हैं जो ये सारी प्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैंने देखा है उनके हाथ में वो जैसे अरेबिक होते हैं ना कि एक अनाउंसमेंट चल रही होती है, वैसे वो भी जब आ रहे होते तो पता चल रहा था वो अलार्म बजा रहे होते हैं अपना। अच्छा जी, ये लोगों की अटेंशन को ज़रा करने के लिए कि ग्रैब करने के लिए हमने किया है, तो उनके पास जो वो नाइफ़ है ना उसके साथ हमने एक छोटी सी बेल लगाई है, वो विसल करते हुए आते हैं, तो लोग अट्रैक्ट करते हैं इस चीज़ को कि कोई चीज़ आ रही है, कोई डिश आ रही है, तो जैसे ही डिश टेबल पर पहुँचती है तो लोग उसको बड़ा इन्जॉय करते हैं। बेसिक मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं कि जब आपने इंट्रोड्यूस करवाया तो सोचा था कि फैसलाबाद के लोग इस टर्किश आइटम को एक्सेप्ट कर पाएंगे? सर, असल में मैंने ये देखा है कि मैं कुछ रेस्टोरेंट्स पे गया हूँ जहाँ पे मैंने तुर्किश मंदी या अरेबिक मंदी ऐसा मैंने नाम सुना है, लेकिन मैं उसकी प्रेजेंटेशन से मैं खुद भी मुतमिन नहीं था। टेस्ट भी वैसा होता है उनका या नहीं? सर, टेस्ट तो ठीक था, मतलब कि तो मैं तो किसी को बुरा नहीं कह सकता, हर रेस्टोरेंट का अपना टेस्ट है, लेकिन हमने इस डिश पे बहुत सारी मेहनत की है। ऐसी कोई अरेबिक मजीद डिशेज आप लेके आएंगे? सर बिल्कुल, 3 नई डिशेज आ रही हैं, हमने उनकी रेसिपी उनके नाम सीक्रेट रखे हुए हैं, जैसे ही सीक्रेट डिशेज हैं आपकी? सर बिल्कुल बिल्कुल होंगी, वो टोटली अरेबिक, उन पे हम काम कर रहे हैं, हमारे शेफ उन पे काम कर रहे हैं, लोगों का बहुत सारा रुझान देखते हुए हमने मजीद सोचा कि हम मजीद कुछ तुर्किश और अरेबिक डिशेज को फैसलाबाद में पाकिस्तान में मुतारफ करवाएं। मंदी के अलावा और क्या क्या चीज़ें सर्व कर रहे हैं आप लोग यहाँ? मंदी के अलावा हमारे पास एट अ टाइम 110 डिशेज अवेलेबल हैं, उसमें फास्ट फूड है, चाइनीज़ है, पाकिस्तानी है और चटपटा है, और साथ में पिज़्ज़ा वगैरह, जंक फूड, ये सब कुछ अवेलेबल है। मेहर जी वालों के फैसलाबाद की तारीख में बड़ा नाम है, वो किस बुनियाद की वजह से, मतलब कौन सी कैसी चीज़ है मेहर जी की? अब तुर्किश मंडी तो हो ही गई है, इससे पहले क्या ऐसी चीज़ मशहूर थी? सर जो हमने स्टार्टअप लिया था ना, एक छोटी सी रेहड़ी से दही बल्ले लगाने शुरू किए थे, और आज अल्लाह ताला ने इस तरक्की तक पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह।